हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी आर फैक्ट्स पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे अमीर शख्सियत के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द वीडियो। सर्गे ब्रिन दुनिया के 10वें सबसे बड़े अमीर इंसान हैं और इनके दोस्त लैरी पेज और इन्होंने मिलकर गूगल को इन्वेंट किया था 1998 में। और क्या आपको पता है गूगल की इन्वेंशन एक छोटे से गैराज में हुई थी। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर गूगल को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा दिया, जिसके कारण आज ये दोनों ही दोस्त बहुत ही अमीर इंसान हैं और इनकी गिनती दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में होती है। सर्जी ब्रिन की टोटल नेटवर्थ $59.6 बिलियन है, जो कि हिंदुस्तान में करीब 4,40,000 करोड़ रुपए है। लैरी पेज दुनिया के 9वें सबसे बड़े अमीर इंसान हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने और इनके दोस्त ने मिलकर गूगल को इन्वेंट किया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, गूगल एक ऐसा ऐप है जिसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर सर्चिंग एनीथिंग, और ये नो डाउट दुनिया का सबसे सक्सेसफुल सर्चिंग इंजन बन गया है पूरी दुनिया में। और इनका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर गूगल इतना ज़्यादा हिट हुआ, जिसके कारण ये दोनों दोस्त काफ़ी अमीर बन गए। और गूगल की सक्सेस तो हम सभी जानते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब भी गूगल का ही एक सब पार्ट है। लैरी पेज का नेटवर्थ करीब $61.9 बिलियन है, जो कि इंडिया में करीब 4,66,000 करोड़ रुपए के बराबर है। कार्लोस स्लिम हेलू ये एक मैक्सिकन बिजनेसमैन है और साथ ही ये एक इन्वेस्टर भी है। ये दुनिया का 8वां सबसे अमीर इंसान है। कार्लोस मालिक है कंग्लोमेरेट का। कंग्लोमेरेट मतलब ग्रुप ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपनीज। इसके कंग्लोमेरेट के अंदर कई सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज आती हैं, जिनमें से एक है हेल्थ केयर, मीडिया, एनर्जी, रियल एस्टेट और रिटेल। कार्लोस का नेटवर्थ $64.4 बिलियन है, जो कि इंडिया में करीब 4,85,000 करोड़ रुपए के बराबर है। लैरी एलिसन ये दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान है और ये को-फाउंडर है ओरेकल कॉरपोरेशन का, और सितंबर 2014 तक ये इस कंपनी का CEO भी रहा था, लेकिन कुछ साल के बाद इसे इस पोस्ट से हटा दिया गया। लेकिन इस इंसान ने इस कंपनी को बहुत ज़्यादा रिच कर दिया, जो कि 39 साल का एक इंसान है और इसने करीब 1,36,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। लैरी का नेटवर्थ $66.6 बिलियन है, जो कि इंडिया में करीब 5,00,000 करोड़ रुपए के बराबर है। मार्क जुकरबर्ग इनको कौन नहीं जानता, ये दुनिया के 6ठे सबसे अमीर इंसान हैं और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि फेसबुक को इन्होंने ही फाउंड किया था। फेसबुक दुनिया का सबसे पॉपुलर और मोस्ट वैल्यूएबल सोशल मीडिया कंपनी बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की इन्वेंशन अपने डोम रूम में ही कर दी थी, जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थे। आज से कुछ टाइम पहले मार्क जुकरबर्ग दुनिया के 3रे सबसे अमीर इंसान थे, लेकिन अभी वो 6th पोजीशन पर आ गए, क्योंकि फेसबुक कुछ टाइम से घाटे में जा रहा है, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने फेक फेसबुक बना दिया था, जो कि एक स्कैंडल था, जिसके कारण फेसबुक को काफ़ी सफ़र करना पड़ा, जिसकी वजह से मार्क जुकरबर्ग 3रे से 6ठी पोजीशन पर आ गए। मार्क का नेटवर्थ $77.7 बिलियन है, जो कि इंडिया में करीब 5,85,000 करोड़ रुपए के बराबर है। एमानसियो ओर्टेगा एमानसियो एक स्पेनिश एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि फाउंडर हैं इंडिटेक्स फैशन ग्रुप के। इंडिटेक्स के अंडर जारा आती है, जारा जिसे आप सभी जानते होंगे, जो कि फैशन क्लोथिंग डिजाइन करती है। ये कंपनी बहुत पॉपुलर क्लोथिंग कंपनी है पूरी दुनिया में, लेकिन हाल ही में जारा को काफी लॉस हुआ, जिसके कारण ओर्टेगा को $11 बिलियन का घाटा हुआ, जो कि करीब 82,000 करोड़ रुपए के बराबर का घाटा था। इतने लॉस के बाद भी ये दुनिया के 5वें सबसे बड़े अमीर इंसानों में इनकी गिनती है और इनका नेटवर्थ करीब 5,87,000 करोड़ रुपए के बराबर है, जो कि करीब $77.9 बिलियन है। वॉरेन बफेट ये दुनिया के 4थे सबसे बड़े अमीर इंसान हैं और ये एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं और इन्वेस्टर हैं और CEO हैं बर्कशायर हैथवे के।
वॉरेन बफेट इज मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन होल वर्ल्ड। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं आज तक के, जिसके कारण लाखों करोड़ों लोगों की नज़र इनके ऊपर ही रहती है और इनकी टेक्निक से वो सबक लेते हैं कि किस तरह से उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट के अंदर। लेकिन इतना अमीर होने के बावजूद ये उस घर में रहते हैं जो उन्होंने तब खरीदा था जब उनको ये तक नहीं पता था कि करोड़ रुपए आखिर दिखते कैसे हैं। व्हाट अ हम्बल गाय। और इनका नेटवर्थ 89.9 बिलियन डॉलर्स है, जो कि करीब 6,77,000 करोड़ रुपए के बराबर है। विलियम बिल गेट्स ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं और इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, जो कि लैपटॉप्स और पीसी के लिए विंडोज बनाती है। लेकिन आज से कुछ समय पहले ये दुनिया के नंबर वन सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे और इस पोजीशन पर ये काफ़ी समय तक रहे, लेकिन घाटा होने के कारण ये अभी थर्ड पोजीशन पर आ गए हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी रही है, जिसके कारण इनका नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, जो कि करीब 8,00,000 करोड़ रुपए के बराबर है और डॉलर्स में ये 108.8 बिलियन डॉलर्स है। बर्नार्ड आर्नोल्ड ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं 2020 में। ये सीईओ हैं LVMH के, जिसकी फुल फॉर्म है लुई वायटन मोइट हेनेसे। ये कंपनी यानी कि LVMH ये दो बिजनेसेस को मिला के बनी थी, जो कि था लुई वायटन और मोइट हेनेसे। लुई वायटन को तो हम सभी जानते हैं, ये एक फैशन ब्रांड है, यानी कि क्लोथिंग बेल्ट ये चीज़ बनाता है, और मोइट हेनेसे ये शैम्पेन बनाता है, यानी कि वो पीने वाली शराब। बर्नार्ड आर्नोल्ड एक काफ़ी चतुर चालाक इंसान है, क्योंकि 2017 तक ये टॉप 10 में था ही नहीं, इसका रैंक 14 था, लेकिन अब ये सेकंड नंबर पर है, क्योंकि ये काफ़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। इसका नेटवर्थ $112 बिलियंस है, जो कि इंडिया में करीब 8,44,000 करोड़ रुपए के बराबर है। इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें। जेफ बेजोस यानी कि जेफरी प्रेस्टन बेजोस ये आज तक के दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं और ये फाउंडर हैं अमेज़न के, जिसे आप सभी जानते हैं। अमेज़न एक सर्चिंग साइट है फॉर सेल एंड परचेज। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी और मोस्ट पॉपुलर कंपनीज में आता है, लेकिन ये सर्चिंग साइट्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी सर्चिंग साइट है फॉर सेल एंड परचेज। लेकिन क्या आप जानते हैं, जेफ ने अमेज़न का इन्वेंशन अपने बेडरूम में किया था, जो शुरुआत में सिर्फ बुक्स के लिए ही था, यानी कि अमेज़न पर शुरुआत में सिर्फ बुक्स ही मिलती थी। शुरुआत में ये बिजनेस काफ़ी स्लो था, जिसके बाद जेफ ने अलग अलग चीज़ इंट्रोड्यूस की अमेज़न के अंदर, जिसके बाद सेल बढ़ना स्टार्ट हुई और 2020 में आज जेफ दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। जेफ का नेटवर्थ 117.5 बिलियन डॉलर्स है, जो कि करीब 8,86,000 करोड़ रुपये के बराबर है। लेकिन इस पॉइंट से थोड़ा सा हटकर अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे इंडिया के मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर थे 2020 की शुरुआत में भी, लेकिन कोरोना के कारण उनके सेल्स डाउन हो गए, जिसके बाद वो अभी 11वें नंबर पर आ गए हैं। ये सब कोरोना की वजह से ही हुआ है कि वो इस लिस्ट से बाहर हो गए, नहीं तो वो भी आज इस लिस्ट में शामिल होते। गाइज, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, और अगर नहीं पसंद आई हो तो इसे डिसलाइक कर दो, और एंड में इसको शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।